क्या हुआ? सब ऐसे क्यों खड़े जैसे जाते जाते श्वेता आईना दिखा के गई हो सबको? क्या मतलब? मतलब हम माने या ना माने, श्वेता सही कह के गई है। कृष्ण ने चीकू को घर में रखने के लिए अगर ये शादी का सैक्रिफाइस नहीं किया होता ना, तो हम सब ये झेल नहीं रहे होते आज। हद है रशिता, तू ही चाहती थी ना कि सबके सामने श्वेता का पर्दाफाश हो, फिर आज हर चीज का दोष कृष्ण पर क्यों डाल रही है? क्योंकि अगर आपने और कृष्ण ने अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाया होता ना, तो हम सब ये नहीं झेल रहे होते। श्वेता बोल के गई है ना, जो भी सब सही कह के गई। चीकू के लिए आपका पागलपन देख के कृष्ण ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसने एक बार भी श्वेता के बारे में नहीं सोचा, तो श्वेता को तो भड़कना ही था ना। और श्वेता ने जो करना था वो करके चली गई भाभी। और आपको क्या लगता है, धरा भाभी को यूं बुरा भला बोल के आप महान बन जाओगी? महान बनने का कोई शौक नहीं है मुझे धरा भाभी की तरह। और जबान संभाल के बात कर, बड़ी हूं मैं तुझसे। जिस हिसाब से आप धरा भाभी से बात कर रही है ना, ये एडवाइस मुझको आपको देनी चाहिए। और सच कहूं तो आप कभी धरा भाभी जैसी महान बन भी नहीं सकती भाभी, क्योंकि धरा भाभी और गोपी ने ना खुद से पहले इस परिवार के बारे में सोचा है। तो वो आपसे कभी हो नहीं पाएगा। और आपको ये प्रॉब्लम रहती थी ना कि धरा भाभी ये सब कुछ महान बनने के लिए करती, तो आज उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपने बारे में सोच लिया, तो क्या गलत कर लिया? आपको उससे भी प्रॉब्लम होगी। और अब आपको लग रहा है कि धरा भाभी ने चीकू के लिए पूरे परिवार को सूली पे चढ़ा दिया, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आप क्यों नहीं दे देती भाभी? आपके पास छुटकी है और प्रेग्नेंट होने का ऑप्शन भी। आप एक काम करो, छुटकी को धरा भाभी को दे दो। कल ही कोर्ट जाके लीगली फोस्टर का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद छुटकी धरा भाभी की गोद में। फिर चीकू जैसी कोई समस्या पैदा नहीं होगी इस घर में। क्रिश, सबान संभाल के बात कर। क्या हुआ देव, इतना क्यों भड़क रहा है? धरा भाभी ने ठेका ले रखा है पूरे परिवार का भला करने का, कभी तुम दोनों भी सोच लो परिवार के भलाई के बारे में। क्या बकवास कर रहा है, कोई अपना बच्चा ऐसे किसी को देता है क्या? ये बढ़िया है, अपने बच्चे के सारे काम धरा भाभी से करवा लो, लेकिन उनको बच्चा नहीं दे सकते। आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप छुटकी को धरा भाभी को दे सके, पर मुझ में हिम्मत थी भाभी कि मैं अपनी सारी खुशी अपनी धरा भाभी की गोद में डाल सकूं। वो मैंने किया और हजार बार करूंगा। बस बकवास के लिए चुप हो जा कृष। चुप हो जा, नहीं चाहिए मुझे छुटकी और ना चीकू चाहिए। तू पता तूने ऐसा क्यों किया? पूछा था ना तुझसे, सौगंध खाई थी मेरे माता की तूने, मुझे लगा था तू श्वेता से प्यार करता है, कीर्ति से मूव ऑन करना चाहता है, इसीलिए ये शादी कर रहा है, और इसीलिए शादी के लिए मैंने भी हाँ भी भरी। देख रहा है क्या हो गया? तेरे एक फैसले ने सब तहस नहस कर दिया कृष्ण।
सब पे करके। भाभी हो गई। गलती सिर्फ कृष की नहीं है भाभी, आप इसमें बराबर की भागीदार हो। अगर आपने चीकू की प्यार की पट्टी अपनी आंखों से निकाल कर इस सिचुएशन को देखा होता ना, तो ये सब नहीं होता। भाभी, कृष, अरे बस करो तुम लोग। अभी अभी इतना बड़ा तमाशा हुआ है और तुम लोग और तमाशा कर लो।